नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज का मुद्दा बहुत ही जिसको बोल सकते हैं सिंपैथेटिक है, और आज का मुद्दा मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ जो कि हमारे स्नेक सेवर्स से जुड़े हुए हैं और मानवता से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें। वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं जो ये मुद्दा लेके आया हूँ, ये मुद्दा सटीक है या नहीं है, सही है या गलत है, ये हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो। आज हम लोग ये वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे बीच में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़े समाज सेवी बाबीदा, वो बीमार है। अक्सर आज उनका वीडियो हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, काफ़ी रो रहे हैं, कहीं पे भी रो रहे हैं, उनका प्रॉब्लम है, उनको बीमारी हुआ है, ये चीज़ देखकर बहुत दुख हो रहा है। लेकिन दुख उससे भी ज़्यादा हो रहा है कि आखिर रेलवे कर क्या रही है। वो एक रेलवे का कर्मचारी है, क्या रेलवे उनको इतना मैंने मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है? कहाँ है DRM साहब और कहाँ है हमारे CMS रेलवे के? क्योंकि मैं इनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप संज्ञान में लें इस मैटर को। वो बार बार हर एक वीडियो और यूट्यूब चैनल में रो रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनकी मदद करें, तो रेलवे क्यों नहीं मदद कर रही है? इससे पहले जब उनका एक्सीडेंट हुआ था आज से 2 साल पहले 2018 में, तब तो रेलवे ने बहुत तत्परता दिखाई थी और रेलवे हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होने के कारण उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तुरंत ट्रांसफ़र भी किया गया था। इस चीज़ के लिए मैं रेलवे को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही एक समाज सेवी और बहुत अच्छे इंसान को बचाया समय पर। आज जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुनने में आ रहा है जैसे कि उनका स्टाफ लोगों के थ्रू या फिर उनका जो स्टूडेंट्स है उनके थ्रू सुनने में ये आया है कि उनको कैंसर हुआ है, उनके गले में इन्फेक्शन था, उसके बाद कैंसर हुआ है। तो हमने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैंने उनका जो शिष्य है, उनका जो स्टूडेंट है रविंदर जी, उनसे मैंने कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि मैंने पूछा क्या क्या कैंसर हुआ, तो उसका रिपोर्ट कहाँ है, अगर हम लोग को अगर रिपोर्ट मिल जाए तो हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और बेहतर से बेहतर इलाज के लिए जहाँ भी जाना पड़े और जैसा भी मदद चाहिए वो हम लोग करेंगे। तो उन्होंने बताया रविंदर जी ने कि ऐसा बात है कि वो रिपोर्ट देखकर फाड़ के फेंक दिए। तो ये रिपोर्ट देखकर फाड़ के फेंक देना, ये हमको लगता है एक समझदार इंसान का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम अगर कोई गोली चलाता है, हम अगर आँख के सामने पर्दा डाल देंगे तो क्या गोली से बच जाएंगे? अगर मुझे बीमारी है तो रिपोर्ट देख के फाड़ देने से क्या बीमारी ठीक हो जाएगा? उनको आना चाहिए सामने अपना रिपोर्ट के साथ, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मुझे ये सुनने में आया कि हाँ वो बाहर जा रहे हैं अभी, मुंबई शायद जा रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल वगैरह या फिर कहीं और जा रहे हैं इलाज के लिए, मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ। तो लेकिन उससे पहले रेलवे को उनको मदद करना चाहिए। रेलवे का हॉस्पिटल है, रेलवे का अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, रेलवे से उनको फाइनेंशियल मदद करना चाहिए। क्योंकि वो यूट्यूब में अपील कर रहे हैं कि मुझे तन मन धन से सपोर्ट करें। तन मन तो चलिए ठीक है, धन से सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने यानी कि रेलवे उनको किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रोवाइड नहीं कर रही है, जबकि इस पूरे परिस्थिति में उनको करना चाहिए। वो एक ऐसा इंसान है जो अपना मैक्सिमम कमाई स्नेक रेस्क्यू में, कहीं पे भी रेस्क्यू में जाते हैं तो वो अपना खर्चे पे जाते हैं, उसके बाद जितना भी इलाज कर रहे हैं वो मैक्सिमम फ्री का कर रहे हैं। और जैसे कि आप यूट्यूब चैनल में उसका देखिएगा कि फ्री में वो इलाज कर रहे हैं, तो फ्री में जब एक बंदा इलाज कर रहा है तो कम से कम बाकी लोगों को, रेलवे को, जब वो अपना सारा धन उठा चुके हैं गरीबों में डायलिसिस कराने के लिए पेशेंट को ले जा रहे थे अपना खर्चा पर, ठीक है, तो कम से कम रेलवे को इस मैटर पर तो ध्यान देना चाहिए। कल वो एक वीडियो पोस्ट किए थे, नॉट कल मैंने कुछ दिन पहले, तो वो बता रहे थे कि झोपड़ी में रह रहे हैं। अरे उनका रेलवे का क्वार्टर आखिर क्या कर दिए रेलवे उनके साथ, क्यों वो झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हो गए आखिर? वो बोल रहे कि मैं रात को इस झोपड़ी में हूँ, तो रेलवे का क्वार्टर का क्या हुआ? उसके बाद DRM साहब तो उनका क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए चले गए थे, जिस क्लिनिक में ट्रीटमेंट करते हैं, ना जाने कितने लोग रीम्स एम्स और कहाँ कहाँ का रेफर्ड पेशेंट उनके पास आता है स्नेक बाइट ट्रीटमेंट को लेकर। वो ट्रीटमेंट करते हैं, एक अच्छा जानकार है, डॉक्टर है वो। उसके बाद उन्होंने कितना वीडियो में कहा भी है कि हाँ वो एक अच्छे डॉक्टर हैं और बार बार से लोग उनके पास आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वीडियो में दिखाया भी गया है, बहुत सारे ट्रीटमेंट वो फ्री में भी किए हैं, ठीक है। आप लोग का मदद से, यूट्यूब चैनल का जितने भी लोग हैं उनको डोनेशन से ना जाने कितने लोगों का जान बचाए हैं, कितना गरीब लोगों को खटिया वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं वो, ताकि सरदर्द ना हो, नीचे ना सोए, लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों को खाना भी खिलाएं। तो अपना जमा पूंजी तो सारा खर्चा कर दिए,
तो ऐसे समय पर जब उनको फाइनेंशियल कंडीशन उनका थोड़ा दिक्कत अगर हो रहा है या फिर उनको मेडिकल अटेंशन चाहिए, तो रेलवे को एटलीस्ट अपना एम्प्लॉय को तो हेल्प करना चाहिए। मैं रेलवे का जो DRM है और CMS है उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि प्लीज़ सर आप इस पर थोड़ा संज्ञान लें और उनको यथासंभव मदद करें, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय है और साथ ही एक अनमोल हीरा है इस झारखंड के लिए, हमारे धनबाद के लिए, क्योंकि वो ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का फ्री का। वो एक छोटा सा क्लिनिक भी बना के रखे हैं आपका अपना क्वार्टर में, लेकिन वो उनके बावजूद भी उनको झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। कि ऐसा क्या मजबूरी हो गया उनके साथ, किस तरह का परिस्थिति उनके साथ गुजर रहा है, एक भला इंसान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप इस पर संज्ञान लें। और मैं अगला वीडियो तक फिर आपके सामने आऊँगा और संज्ञान लिए किस तरीके से लिया जा रहा है, अगर नहीं लिया जा रहा है तो हम लोग पर्सनली जाके रिक्वेस्ट करेंगे DRM सर को, CMS सर को, और साथ ही अगर नहीं होता है तो हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और बाकी लोगों से भी कंसल्ट करके यथासंभव मदद कराने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग का भी सपोर्ट मेरे साथ रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे, DRM सर तक पहुँचे, रेलवे का जो हायर अथॉरिटी है उनके संज्ञान में आए और उनको बाबीता को अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट मिले। वो इस तरह से रो रहे हैं, बहुत ही बुरा लग रहा है, ऐसा किसी एक अच्छा नेक दिल इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। और वो बाकी लोगों का इलाज करते हैं इतने अच्छे से, फ्री में इलाज कर देते हैं, फ्री में वो अपना खर्चे पे जाते हैं स्नेक रेस्क्यू करने के लिए कहीं पे, तो इतना भला इंसान है उनके लिए तो कम से कम होना चाहिए किसी के दिल में भी सहानुभूति, खासकर जो जिनके एम्प्लॉय हैं रेलवे का, उनको तो सहानुभूति देना चाहिए। वो एक झोपड़ी बना के रह रहे हैं वहाँ पे अपना क्वार्टर में, जबकि उनका एक क्लिनिक भी है वहाँ पे। उद्घाटन करने के लिए तो DRM साहब गए थे, लेकिन अभी अभी जब उनका बीमारी हो गया है, जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब क्या नाम है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। स्नेक सेवर्स, बाकी जो हमारे मुबारक जी हैं, उसके बाद और भी कोई कोई स्नेक सेवर्स है जो उनके बारे में वीडियो भी अपलोड किए हैं, तो उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हाँ कम से कम आप लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। मैं भी उनके साथ दुख की घड़ी में हूँ और यथासंभव जितना हो सके हम लोग अपने तरफ से और NGO की तरफ से जो भी मदद हो पाएगा मैं करूँगा। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो तक आपके सामने जरूर वीडियो लेके आऊँगा कि आखिर बाबीता का हेल्थ में क्या सुधार आया नहीं आया। लेकिन उससे पहले मैं रेलवे और रेलवेज़ का जो भी डिपार्टमेंट है जो हेल्थ को लेकर है और इस चीज़ को अपना संज्ञान में ले और उनको यथासंभव मदद करें। धन्यवाद।